जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा कर्मचारी जागरूकता व समस्या निवारण शिविर सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के हक की आवाज उठाई गई और आह्वान किया गया कि आप अपनी समस्याएं बताइए, हम आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं को बड़े से बड़े स्तर पर पहुंचाने का NCRKS काम करेगी। इस कार्यक्रम में DS दुबे, राजेंद्र अवस्थी, कामिन तिवारी, SU खान, संतोष गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, दौलू पाठक, रोहित पाठक के साथ संस्था के महासचिव एवं संस्थापक श्री ओम पाठक भी मौजूद थे। आज हमने रेलवे स्टेशन पर जाकर इन लोगों से बात की तो इन सभी का कहना था कि रेलवे इलाहाबाद जोन में कई ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो कि कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए NCR के इलाहाबाद जोन के प्रत्येक स्टेशन पर कर्मचारी जागरूकता एवं समस्या निवारण शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बड़े अधिकारियों से उसके निराकरण के लिए बात करेंगे। RBS लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर इस समय खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कि NCRKS जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने वाली एक संस्था है और कई सालों से कर्मचारियों के हितों के लिए निरंतर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। इलाहाबाद, आगरा, झांसी तीनों मंडलों में इस संस्था के द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए बराबर उनके न्याय के लिए आवाज उठाती जाती रही है। आज इन्होंने यहाँ पर कर्मचारी जागरूकता व समस्या निवारण शिविर लगाया है। इस शिविर का यहाँ पर लगाने से क्या लाभ स्टेशन के एक अन्य कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो सर आप बताइए कि आज जो शिविर यहाँ पर लगाए गए, कितने लोग यहाँ पर आए? समस्याओं के लिए काफ़ी लोग आए हमारे, और तो अनुसार चंदा कटौती जो मानता प्राप्त उन्हें कर रही है, एक साल के लिए भराया उन्होंने, कम से कम लगातार 3 साल काट रहे हैं, दोनों काट रहे हैं, उनको बंद कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बंद भी करा देंगे पूरा निश्चित तौर से। ग्वालियर में कितना आपको सम्मान मिल रहा है, आपके संस्था जो है इसको कर्मचारी जो है यहाँ पर आकर के अपनी समस्याएं कितनी बता पा रहे हैं? हमारे सारे पदाधिकारियों ने हर ब्रांच में, हर विभाग में जाके लोगों से संपर्क किया, लोगों की समस्या सुनी, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहा है कि पे स्लिप से जो सदस्यता शुल्क कटता है यूनियन का, वो धोखे से 2016 का फॉर्म भरवाया गया और 16 से 17 से 18 से और आगे लगातार जब तक रिटायर नहीं हो जाए तब तक काटने की इनकी प्लानिंग है। तो इस पे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है और बहुत सारे करीब 25-30 लोगों ने तो फॉर्म भरे हैं और बहुत से लोग फॉर्म लेके गए हैं, तो बहुत जल्दी भर के वापस जमा करेंगे। हमारे साथ रफी जी भी हैं। सर आप ये कही रफी जी, जो यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है और जो समस्याएं यहाँ कर्मचारियों ने गिनाई हैं, इनको लेकर के आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? हम इसके लिए महाप्रबंधक को जो है विनती कर चुके हैं कि यह बिना नियम के, बिना किसी रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार आपने कैसे जो है ये रिकवरी कर्मचारियों के वेतन से काटनी शुरू की, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि है तो गलत, इसका हम जो है समाधान करेंगे। आप भी जो है जैसे उन्होंने हमको जो फॉर्म भर करके दिए हैं, आप भी जो है उनके जो है कर्मचारियों से फॉर्म भरवा करके दीजिए कि रिकवरी हमारी न की जाए। इसके लिए हम लोगों ने अभी जो ज्ञापन उनको दिया है और करीब जो है 500 स्टाफ के लिए हमने फॉर्म भी उनको दिए हैं पूरे NCR के। उम्मीद है कि जो है अगले सत्र में वो रिकवरी नहीं होगी, ये आश्वासन दिया गया है। तीन मंडल हैं, झांसी है, आगरा, इलाहाबाद, तीनों मंडल के ऊपर जोन है इलाहाबाद। अभी जो ग्वालियर में जो कैंप लगाया गया है, क्या हम जो पूरे जोन के अलग अलग स्टेशन है वहाँ पर भी ऐसे कैंप देखेंगे? बिल्कुल, हर कर रहे हैं। अभी तो हम झांसी मंडल में जो कर रहे हैं और झांसी मंडल के हर स्टेशनों पे ये कार्यक्रम हमारा जो करीब सितंबर से चल रहा है और यहाँ का समाप्त होते ही हम इलाहाबाद और आगरा में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो अभी जो है वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, एक तरीके से कर्मचारियों की समस्या इकट्ठी की जा रही है। असल में सबसे कर्मचारियों के लिए दुखद पहलू ये है कि रेलवे की यूनियनें कर्मचारियों की समस्या का समाधान के लिए होती है, लेकिन आज की तिथि में
रेल यूनियने खुद ही एक समस्या बन के रह गई है। लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम कर रही है यूनियने, हर मोर्चे पे हर प्रकार से विफल रही है। कर्मचारियों के अपेक्षाओं पे बिल्कुल ही खड़ी नहीं उतरी है, उल्टे उनको प्रताड़ित प्रसार ये किया जाता है, हर प्रकार से दुख दिया जाता है और अपना काम उल्लू सीधा करने का एक जरिया बन गया है। यूनियन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, उन सारी यूनियनों के बीच में एनसीआरकेएस जो है वो अपनी छवि को किस तरीके से कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ करके एक पॉजिटिव छवि में निकालेगी? कर्मचारियों को मदद करके लोगों से अन्याय से भरने के लिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने देखा झांसी में भी आपके द्वारा कैंप लगाया गया था, वहाँ पर कितने लोग आए थे? झांसी में करीब 500-600 लोगों का हमने फार्म भरवा दिया प्रशासन के लिए और सबसे लगा था। लेकिन जो मेन समस्या है अधिकारियों के और इंजीनियर, जैसे आप इंजीनियर की आप छवि कह रहे हैं, क्या पॉलिसी मैटर जो मान्यता प्राप्त प्रशासन बनाता है और वो पॉलिसी मैटर हम लोगों से पूछा नहीं जाता, तो ये मेन समस्या है। पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं जिससे कर्मचारियों का शोषण होता है और ये प्रशासन सुनता नहीं है। जैसे अभी एक जो अपने अफिश स्टेशन मास्टर हैं, करीब 22-23 लोगों का बैच एक आया है, पोस्ट हो गया, पास हो गया, उनसे वर्किंग ली जा रही, लेकिन उनके पोस्टिंग आदेश नहीं निकाले गए। ऐसे ड्राइवर में हैं, उनसे काम लिया जा रहा है लेकिन उनको कन्वेंस और पीए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी पोस्टिंग आदेश नहीं निकल। तो इस तरह का इतना शोषण है हर डिपार्टमेंट में कि रेलवे को जो लाभ पहुँचाने की स्थिति है वो इस तरह से लाभ पहुँचाया जा रहा है कर्मचारी को नुकसान करके, ना कि रेलवे में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा के लाभ कमाया जाए। ये मानसिकता प्रशासन की नहीं। एक बात बताइए कि अभी कोर्ट ने ना बोला है कि जो यूनियन है जो अवैध तरीके से चल रही है उसके सारी चीज़ें गतिविधियाँ बंद कर दी है, उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है कि उनकी गतिविधियाँ खत्म हुई है? अभी तो गतिविधियाँ नहीं खत्म हुई है, ये 2007 में जो निर्णय एक आया था जबलपुर ग्वालियर बेंच का निर्णय है, उसमें साफ साफ स्पष्ट किया कहा गया था कि नॉर्दर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की फंक्शनिंग यूनियन ही जो है उत्तर मध्य रेलवे के चुनाव में भाग लेंगी और जो 1/4/2003 के बाद की रजिस्टर्ड यूनियन है जो रजिस्टर्ड हुई है न्यू जोन बनने के बाद उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जो है हमारी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो प्रशासन ने उनको भी चुनाव लड़ाया जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के नाम से 1/4/2003 के पहले जो रजिस्टर्ड हुई हैं उन पर जो है कार्य हमारी जो है चर्चा चल रही है और उस पर हम कंटेम्प्ट भी करने जो है जा रहे हैं, कंटेम्प्ट भी करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए आज कौन कौन आया है यहाँ पर, पूरे जोन से कौन कौन लोग यहाँ हैं? जोन से तो अकेला मैं ही हूँ, बकिया हमारे संगठन मंत्री हैं मिस्टर राजेंद्र अवस्थी, झांसी मंडल के जो मंडल मंत्री हैं मिस्टर कामेन तिवारी और झांसी मंडल के जो है मिस्टर एस यू खान साहब हैं, बकिया आगरा से तो अभी फिलहाल कोई नहीं पहुँच पाया। तो ये थे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ के लोग जो कि आज यहाँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए एक शिविर लगाकर बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और काफ़ी लोगों के फॉर्म इन्होंने भरे हैं और इनका कहना यह है कि इस तरह के शिविर हम इलाहाबाद जोन के हर स्टेशन पर लगाएंगे और जो भी कर्मचारियों की मांग है जो भी उनकी समस्याएं हैं उन सबको लेकर के आगे चल करके एक बड़ा आंदोलन हम करने जाएंगे। सबसे पहले हमारा रास्ता ईमानदारी का होगा, सबसे पहले हम बड़े उच्च अधिकारियों के सामने उन मांगों को रखेंगे, उन समस्याओं को रखेंगे। अगर उन समस्याओं के ऊपर अमल नहीं किया जाता है तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ इसके लिए पुरजोर तरीके से आंदोलन करने की भी तैयारी कर चुका है। राइट, बिल्कुल सही। एनसीआर के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद एनसीआर के। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।